आपने गोल और फीट वर्ड तो सुना होगा, लेकिन आइए आज जानते हैं उनके होमोफोन्स के बारे में। तो गोल जिसका मीनिंग होता है लक्ष्य, उसकी स्पेलिंग होती है GOAL, यानी GOAL दैट मीन्स गोल, दैट इज लक्ष्य, आपने ये तो आपको पता है। लेकिन इसका होमोफोन्स एक होता है GAOL, और GAOL का मतलब लक्ष्य नहीं होता बल्कि GAOL का मतलब जेल होता है। तो आप यहां पर जान लीजिए कि जब भी स्पेलिंग GOAL है दैट इज लक्ष्य, और अगर GAOL है तो यह मत सोचिए कि लक्ष्य वाले की स्पेलिंग गलत हो गई है। स्पेलिंग यहां पर यह भी एक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है जेल। तो पहले इन दोनों वर्ड के एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर हम नीचे के दो वर्ड पे हम बात करेंगे। पहला सेंटेंस है लेट अस वर्क हार्ड टू रीच आर गोल। तो आप यहां पर बात कर रहे हैं कि आइए हार्ड वर्क करें रीच करने के लिए, किस चीज पर, अपने गोल पर। तो गोल यहां पर जेल की मीनिंग नहीं है, अपने जेल जाने की बात नहीं कर रहा है, वो लक्ष्य की बात कर रहा है। दैट्स वाई इस जगह की स्पेलिंग जो होनी चाहिए वो GOAL होनी चाहिए। वहीं पर अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें तो इसमें है द थीफ वॉज सेंट, तो चोर भेजा गया, तो चोर कहां भेजा जाएगा, लक्ष्य में तो भेजा नहीं जाएगा ना, वो जेल ही भेजा जाएगा। तो इस जगह पर जो गोल की स्पेलिंग होनी चाहिए, यानी ये आपका पहला वाला गोल एंड सेकंड वाला ग्योल, ग्योल दिस इज ग्योल, तो ग्योल की स्पेलिंग जो होनी चाहिए वो GAOL हो जाएगी। तो आई थिंक यहां पर आपको गोल एंड ग्योल की मीनिंग एंड उनकी स्पेलिंग में डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए। दूसरा हमारे सामने वर्ड है, एक है फीट, फीट दैट इज फुट का प्लूरल होता है जिसकी मीनिंग होती है पैर, राइट। तो फुट का प्लूरल यहां पर, यानी ये जो वर्ड है ये प्लूरल फॉर्म है फुट का जिसका मीनिंग पैर होता है। लेकिन अगर यही फीट की स्पेलिंग FEAT कर दी जाए तो ये पैर नहीं होगा बल्कि इसकी मीनिंग होगी किसी काम में चतुराई से काम करना या तो बहादुरी से काम करना, उसको हम कहते हैं FEAT। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, अ काउ हैज हाउ मेनी फीट, 4 feet। तो यहां पर आपने 4 लगाया और काउ के पास है, तो काउ के पास चतुराई से काम करने वाला सेंस नहीं आ रहा है, यहां पे पैर की ही बात हो रही है, राइट। दैट्स व्हाई आपको इस जगह पर FEET लगाना है। लेकिन वहीं पर जब सेकंड सेंटेंस में हम आते हैं कि पीपल वॉन्डर्ड एट द फीट ऑफ द जगलर, तो जगलर के किस चीज पर पीपल को वंडर हुआ, आश्चर्य हुआ, तो जाहिर सी बात है जगलर के फीट यानी पैर पाले पे तो हुआ नहीं होगा, उनके चतुराई से जो जगलर काम करता है उस पर हुआ होगा। तो सेकंड वाले में इस वजह से हम कौन वाला डालेंगे, FEAT, और फर्स्ट वाले में क्या डालेंगे, FEET। तो आई होप आपको यहां पर गोल गोल फीट एंड फीट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि फायदे का है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।